वेलकम बैक टू माई चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल ईजी एंड बिल्कुल जल्दी से बनने वाली पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाएंगे। एंड लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी, बट वो मैंने पैन पिज़्ज़ा की इंस्टेंट रेसिपी शेयर की थी। बट आज जो मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कुल्लर पिज़्ज़ा, बिल्कुल इंस्टेंट कुल्लर पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुल्लर पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बटर। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटर से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये अप्रॉक्स 10 ग्राम्स बटर है। बटर मेल्ट हो गई है, मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। एक प्याज है जिसे मैंने थोड़ा सा ऐसे रफली चॉप किया है। इसे हम स्टर कर लेंगे बटर में। प्याज को मैंने सॉटे कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर जिसे मैंने थोड़ा रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे भी प्याज के साथ स्टर फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर भी यहाँ पर जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर। और ये जो पनीर है, मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी वो मेरे पास बची हुई थी, तो मैं वही पनीर ऐड कर रही हूँ। तो बिल्कुल फ्रेश पनीर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट ये जो पनीर की सब्जी है इससे फ्लेवर जो है और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी इसमें फ्लेवर्स हैं। तो इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप। आप यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप ऐड करी है। 1/2 टीस्पून आई एम एडिंग ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे स्टर। जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एकदम थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने ब्रेड ली है तो 2 ब्रेड ले लेंगे। और इसे बिल्कुल ऐसे रफली चॉप कर लेना है, हाथ से ही तोड़ सकते हैं। कोई साइड्स वगैरह हटाने की ज़रूरत नहीं है। बस ब्रेड को भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और मैंने ली है यहाँ पर एक ग्रेटर, इसकी हेल्प से हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। जितना चीज़ आपको चाहिए, जितनी पसंद है उतनी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें मेयोनीज भी ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच मेयोनीज। और मेयोनीज ऐड करने के बाद हमें इसे कुक नहीं करना है, तो मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और एक बार इसे ऐसे टॉस कर लेंगे। एंड ये हमारा बिल्कुल चीज़ी सा मिक्सचर जो है ये रेडी है। चीज़ मिक्स हो गई है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है इस मिक्सचर के साथ। मैं यहाँ पर एक कुकर ले रही हूँ जिसे मैंने अच्छे से वॉश किया है, और इसे मैं अभी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे रख रही हूँ गर्म होने के लिए। ये कुल्लर ले लेंगे। ये कुल्लर मैंने ले ली है। बिल्कुल थोड़ी सी मैं ये टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, सो डैट जो टेस्ट है वो अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। अगेन बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर लेंगे ये मेयो साइड में इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसमें चीज ऐड करूंगी। कुल
रेगुलर पिज्जा बनाने के लिए जो हमने अभी ये मिक्सचर बनाई है ये ले लेंगे एंड इसे हम इसके अंदर स्टफ कर लेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने कूलर को ऐसे फिल कर लिया है। बिल्कुल ऊपर तक मैंने इसे अच्छे से फिल किया है इस तरीके से। और अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं और चीज इसके ऊपर ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। जितनी चीज आपको पसंद है उतनी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों कूलर मैंने रेडी कर ली है पिज्जा बनाने के लिए। स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से ये ऑरिगेनो, जस्ट अ पिंच एंड जस्ट अ पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स एज वेल। ये प्री हीटेड कुकर है एंड ये गर्म है तो बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। बहुत केयरफुली हमें कुकर के अंदर इन्हें प्लेस करना है। बिल्कुल लो फ्लेम रखिए, लिड है वो ले लेंगे, ये ऐसे कवर कर लेंगे। तो बस हमें इसे रख देना है और हम वेट करेंगे एंड ये अप्रोक्सीमेटली 10-12 मिनट्स में आराम से बेक हो जाएगी। इसके लिए हटा लेती हूँ, चेक करते हैं। ओके गाइज, जस्ट हैव अ लुक। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाली ये कूलर पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गई है। जिस तरीके से हम मार्केट में पिज़्ज़ा खाते हैं उससे भी ज़्यादा यम्मी दिख रही है ये एंड घर पे बनी है। तो जितनी मर्ज़ी उतनी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनकर रेडी हो गई है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।